नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, भैया और हमारी माँ ने देख लीजिए इतना सारा सामान दी है, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। और दोस्तों, सामान दिखाने से पहले मैं आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ। दोस्तों, जो सामान आता है हमारे माँ की तरफ से, भैया की तरफ से, उनका मतलब ये नहीं है कि संगीता आप वीडियो में सामान दिखाएं और कहते हैं दीदी आपका मर्जी दिखाओ या ना दिखाओ। हमारी माँ भी बोलती है बेटा आप दिखा सकते हो या ना दिखा सकते हो, वो तो आप पे निर्भर है। लेकिन दोस्तों, मैं भी सोचती हूँ कि आप सबको मैं जितना सामान हमें मिलता है मैं सारा सामान आप सबको दिखाती हूँ। और तो यही सब बात है दोस्तों, तो चल रही हूँ मैं आप सबको दिखाती हूँ। और वैसे दोस्तों, चंदन का तबीयत आप थोड़ा ठीक है, दवा करवा रहे हैं। तो दोस्तों, बीच में मैं नहीं दिखाई, ये सामान आए हुए करीब 7 दिन हो गया होगा, 1 हफ्ता हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि बीच में चंदन को इधर उधर ले जाना, दवा लाना और यही सब बात है, तो अंजलि गिर जा रही है, तो बीच में हमें टाइम भी नहीं मिला और मैं सही से इस बीच में वीडियो भी नहीं मन लगा के बना पाई। जैसे तैसे मैं वीडियो भेज देती थी किसी न किसी तरह, लेकिन आप सब माता रानी से दुआ करना हमारा चंदन जल्दी से ठीक हो जाए। और ऐसे आप सब ने ढेर सारा दुआएं दिए हैं दोस्तों, और मैं भी माता रानी से दुआ करती हूँ कि हमारे चंदन का तबीयत जल्दी से ठीक हो। तो दोस्तों, चलती हूँ मैं, सामान को पहले निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, ये 2 डिब्बे हैं और इधर कुछ कपड़े हैं, तो कपड़े को मैं साइड में रखती हूँ और पहले सामान को निकालती हूँ। दोस्तों, गत्ते में से सारा सामान निकाल लेते हैं जितना सामान है। तो अंजलि बीच बीच में तंग कर रही है, अंजलि ऐसा ना करो। तो यहाँ मैं सामान सभी निकाल लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। ये गत्ता ये खाली कर दी हूँ, साइड रख लेती हूँ और इसमें से सामान निकाल लेती हूँ सभी। मैं सभी सामान को खाली कर दी हूँ, ये देखिए डिब्बा उस साइड रख देते हैं। और अब मैं सामान को पहले इसमें से जो एक एक साइड कर लेती हूँ जो सामान। तो दोस्तों, हमने सारा सामान को तह लगा दी हूँ, जो सामान जितना है उसी हिसाब से। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, तो नजदीक ले आओ चंदन। तो दोस्तों, ये मैगी का पैकेट है, 1 पैकेट है, और यहाँ चीनी है, तो ये 1 किलो का चीनी है, तो ये 5 पैकेट है ये वाला। और ये आमचूर पाउडर है, और ये जीरा है, और इधर कस्तूरी मेथी है। आपके भैया ने कस्तूरी मेथी भेजे हैं, ये 4 डिब्बे हैं। तो ये नमक 2 पैकेट है, और इधर साइड भैया ने सूजी दिए हैं, तो ये 2 पैकेट सूजी है, और ये 2 पैकेट मैदा है, तो मैदे को रख दी हूँ। और ये 1 पैकेट चना है छोटा वाला, और ये हरा मटर है, और ये चने का दाल है, और ये वाला छोला वाला चना है, और ये सफेद वाला मटर है। और इस साइड दोस्तों, भैया ने 2 डिब्बे बेसन वाला लड्डू दिए थे, घी में ये बना हुआ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। 1 पैकेट हमारे बच्चे ने खा लिए हैं, और टॉफी 2 पैकेट दिए थे दोस्तों, ये देखिए टॉफी भी खा लिए हैं, ये सब फाड़ देते हैं पहले। 1 पैकेट चॉकलेट था वो भी खा लिए, और ये टॉफी भी खा लिए। और तो भैया ने अबकी बार ये रिफाइंड तेल दिए हैं। और दोस्तों, मैं सरसों का तेल नहीं दिखा पाई आप सबको, वो घर में रह गया, तो वो 5 पैकेट सरसों का तेल है 1-1 किलो का, और ये रिफाइन का तेल है। तो यही है दोस्तों, हर बार भैया पैकेट वाला तेल देते थे, अब की बार ये डिब्बे वाला दिए हैं। तो दोस्तों, 2 सामान छूट गया है, 1 लड्डू जो है वो उसको पहले से खा लिए सभी लोग, है ना अंजलि? अंजलि तंग करती है, यही फड़वाती है ना गुंजन? हाँ। तो ये हमारी माँ ने क्या क्या भेजी है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ। तो माँ का भी सामान
आप सब भी सोचते होंगे जब भैया का सामान आता है तो माँ का भी सामान कैसे आ जाता है एक साथ दोनों लोग का। तो दोस्तों ये सामान ऐसे बीच बीच में आता रहता है, जब इकट्ठा हो जाता है तो मैं एक हफ्ते में दो हफ्ते बाद वीडियो बना देती हूँ। तो यही बात है दोस्तों, माँ हमारी साड़ी दी है, ये देखिए कहाँ मेरे पास ये सब जो इस समय का साड़ी पहनने वाला इस दौर में जो चल रहा था साड़ी वो नहीं था दोस्तों, लेकिन हमारी माँ और भैया ने बोलते हैं, भैया भी बोलते हैं दीदी जो पुराना वाला है साड़ी मत पहनो, माँ भी बोलती है उसको मत पहनो संगीता, हम सब आपको देंगे जो बन पड़ेगा जितना। तो ये देखिए माँ ने हमारी एक साड़ी ये भेजी है, ये वाला है। तो इसका ब्लाउज कुछ इस तरह है, गुलाबी कलर है दोस्तों। तो ये साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, ये देखिए। और इसका आंचल कुछ इस तरह है, ये देखिए। और एक साड़ी मतलब तीन साड़ी है दोस्तों। तो ये देखिए ये वाला एक साड़ी ये भी है, ये भी माँ ने दी है। तो अपनी खुशी से भैया और माँ हमारी जो होता उनका मन करता है दोस्तों वो दे देते हैं। और ये देखिए यही है साड़ी, और इसका आंचल कुछ नीला है शायद, हाँ ये दो कलर की साड़ी है दोस्तों। ये ब्लाउज है ये वाला, और इधर साइड इसका आंचल है, ये वाला आंचल है ये। और तो एक साड़ी ये है दोस्तों, ये देखिए ये पीला है, और कुछ इसमें कलर हरा है कुछ, और ब्लाउज इसका ये है। तो ये हमारे माँ की तरफ से ये तीन साड़ी आया था, और भैया ने इतना सारा सामान दिए थे। हमारे भैया को माता रानी ढेर सारा खुशियाँ दे, और भैया का हर मनोकामना पूरा हो, और हमारे माँ का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बस माँ से मैं हमें दुआ ही लेना है, और मैं माँ से रिक्वेस्ट करूंगी और आप सबसे भी हमें दुआ देना, आशीर्वाद देना। अगर दोस्तों कोई गलती होता है हमें तो उसको क्षमा करना, और गलती क्या है यही है दोस्तों, जो मैं सामान आता है मैं ओपन कर देती हूँ, दिखा देती हूँ, यही गलती मैं कर रही हूँ। बाकी जो हमारे पहले से जुड़े हैं बहन भाई वो बोलते हैं संगीता बहन हमें आपका गिफ्ट देखना अच्छा लगता है। मैं एक दिन वीडियो बनाई थी, बोली थी आज के बाद में, उसमें बोली नहीं थी दोस्तों, टाइटल डाली थी कि आज के बाद में गिफ्ट नहीं वाला वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कई लोग को शिकायत मतलब हमसे इस गिफ्ट से बहुत है दोस्तों, अब क्या बताएं। तो टाइटल डाली थी तो बोली थी कि अब गिफ्ट का वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हमारी कई दीदी बोली थी नहीं संगीता ऐसा नहीं करना, गिफ्ट का वीडियो जरूर दिखाना, हमें हम सबको अच्छा लगता है। तो हम अपने जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनका मन रखने के लिए मैं जरूर करूंगी, जो कहेंगे वही कहूंगी, और हेट जो करते हैं उनका क्या, तो उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। तो जो हमारे अच्छे भाई बहन हैं बस हमें उन्हीं का आशीर्वाद दुआ लेना है। तो दोस्तों आज भी देखो वीडियो के सामने सभी लोग कह रहे हैं लड्डू खाते दिखाओ, तो क्योंकि इन सबको लड्डू खाने को मिल जाए तो खुशी से अंजलि झूम गई है ना गुंजन। अंजलि तो बिल्कुल नहीं खाएगी क्योंकि, तो अंजलि के लड्डू बिल्कुल नहीं देंगे, और गुंजन को देंगे, शीतल को देंगे। तो दोस्तों ये लड्डू कुछ इस तरह रखा हुआ है। तो दोस्तों भैया ने इस खुशी में लड्डू दिए हैं, मैं उस खुशी को बात आप सबसे बताई भी नहीं, एक वीडियो हमारा 1,000,002 लाख चला है, तो उसी खुशी में भैया ने लड्डू दिए हैं दोस्तों, ये देखिए। तो भैया को माता रानी ढेर सारी खुशियां दे, और आप सबको भी ढेर सारा खुशियां दे जो आप सब ने इतना हमारा साथ और सपोर्ट दिए हैं। अंजलि को लड्डू खाना नहीं है। लड्डू के लिए अंजलि परेशान। तो चंदन का तो दवा चल रहा है, चंदन मीठा कम ही खाएंगे। तो दोस्तों हम सब लड्डू खा लेते हैं। तो दोस्तों हम सब लड्डू खा चुके हैं, बहुत अच्छा लगा है ना अंजलि। हाँ। अंजलि तो पानी दो चार और खा लें, और शीतल और चाही गुंजन अंजलि
हम इनको चाहिए। तो दोस्तों आप सब पहले भी देखे होंगे और अब भी ये जो भैया सामान देते हैं और जितना सामान देते हैं हमारे भैया, उनका मतलब यही रहता है कि जो रेसिपी मैं बनाती हूँ हमारे रेसिपी बनाने में कोई चीज की कमी ना हो, भैया का यही मतलब रहता है। और भैया बोलते हैं दीदी हमारा कोशिश यही है कि आप अच्छी से अच्छे वीडियो बनाओ, अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाकर दिखाओ। तो जो आपके पास सामान रेसिपी में ना हो उसको बताइए, मैं वो सामान तुरंत भेजूंगा। और तो भैया का यही मकसद है दोस्तों कि हमारा अच्छे से अच्छा वीडियो वायरल हो, अच्छे से चले, हमारी घर की स्थिति ठीक हो जाए। और यही सब बात है दोस्तों, सच में भैया हमारे लिए भगवान से कम नहीं है जो इतना सोचते हैं। दोस्तों मेरा एक चैनल दूसरा है चंदन फैमिली ब्लॉग, जो मैं चंदन के और अपने बच्चों के पढ़ाई के भविष्य के बारे में सोची, उस चैनल पर ब्लॉग बनाना बंद कर दी। तो क्योंकि ये सब अब स्कूल जाने लगे हैं इसीलिए, तो उस पर मैं कार्टून बनाती हूँ और दोस्तों वो कार्टून वीडियो मैं अपनी भाषा में बोल कर बनाती हूँ। तो कहाँ 14,000 सब्सक्राइबर थे उस पे, कहाँ आज के डेट में वो वीडियो हमारा 400 चलता है कार्टून डालने से। तो अब हमारे सब्सक्राइबर को हमारे बहन भाई का गलती भी नहीं है, उसमें गलती हमारा है क्योंकि मैं वो अपने भाषा में बनाती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है ना, यही बात है। तो और हमारे भैया भी समझ नहीं पाते हैं, फिर भी जाते हैं कमेंट करके आते हैं और बोलते हैं दीदी बहुत अच्छा वीडियो है, और यही सब बात है दोस्तों। और इतना मतलब आप समझ सकते हैं, जो भाषा भैया को समझ नहीं आता भैया फिर भी उसको उस वीडियो को वॉच करते हैं। तो वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मामा नमस्ते। मामा नमस्ते।